नमस्कार दोस्तों, कोटोड़ा टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। फिलहाल मैं हूँ एक गांव में, और इस गांव में क्यों आया हूँ ये तो आप सभी को बता दूँ कि उदयपुर ज़िले की कोटोड़ा तहसील के जेठ पंचायत के भाटा के पानी के करीबन 45 से भी अधिक जो परिवार है वो करीबन 11 सालों से बाहर रहते हैं। अब बाहर रहने की वजह जो है वो कई लोगों के जरिए आपने शायद सुनी होगी, और आप देख सकते हैं यहाँ पर शायद कुछ बहुएँ जो है जिन परिवारों की नए आए हुए वो है, और यहाँ पर कुछ लड़के भी है, और साथ ही साथ में यहाँ पर एक भाई है, हम उनसे बातचीत करेंगे। हो नाम है थमार मिल जी ते थमार गोम क्यों है पाठन पौने ने ओ एवर थमार वो हूँ गोम है ये लोटाना है ते एक लोटाना में कितना टाइम हरे हो बेटे पाँच साल हुई है ते इना पहला के रहता इना पहला ऊपर करे अच्छा ते थम पाठन पौने किम रहता नहीं पठन पौने ये पहले मार बा ने मार पीट किए थे ये मार हाथ पैग तोड़ दिया मार दिया थे ना बाद में पेशेंट ये हाथ पैग तोड़ने वाला को इसको मार पीट किया थे ये मर गया है मरने वाला तो हम पेशेंट पुलिस कार्रवाई जेल जाता रह गया जेल गया तो 8 साल जेल काटने आ जाओ 8 साल जेल काटने आवी ने वापिस गम में जाना चाहता हूँ तो गम वाला भी ये बैठना नहीं देता अगली पार्टी परिवार में जे विनन जिन्हें मारियो विनन हो नाम है विनन है एलियो एलियो तो वी कौन मारियो हो एलियो एलिया मेरा बाप मरिया पोजाराम इसने एलिया ने मार दिया तो हाथ पैर तोड़ के मारा थे ये बाज में पोजिया का लड़का एलिया को मार दिया है मिलिया ने नवला ते विनय तो सजा हो गई है के विनय ने सजा नहीं हुई ये तो यू अपन विनामा इमने जीनो एलिया मारी हो विनय तो सजा पूरी हो गई के विनय ने नहीं हुई है वो मां पकड़ो ने तीन महीना में छूटी गया इमने क्या तो एलिया जिन्हें मारियो हो विनन तो सजा पूरी हुई के हाँ मरता एलिया की सजा पूरी करना यहाँ अच्छा हाँ तो विना बावजूद भी थे मार रहा था आका साड़ी पोस्ट परिवार है वी थे मारी का बार रहा होते थे मैं हूँ कह के भी रहते रहे हो तो कभी रहते रहे इना लिबरो हटन बेटा हाँ कोई इना कुआं ऊपर रहे हो तो कोई पोस्ट नहीं पोती है पोगा ले रहे यहाँ देखो पोग ले रहे यहाँ बिना विदे बीज तो कुआं वाला ले रहे हैं कहने खेती करी गए कुआं वालों के साथ ही से पेट गुंदर है डी रहा है थमर सो रहा उनके तरफ है बीज लेन को मार तो सो रहा है सो न मार पाई ने है कोई कान तो है सीआर ने कान है पोस ते ई को पेंडवा भी जाए के नहीं जाता कोई एक उशोर पेंडवा जा तो नहीं ईशोर इतना मोटा ही गया कोई पेंडवा जाता नहीं कोई नहीं इन स्कूल में सिरोही डिस्ट्रिक्ट में कोई पेंडवा मिला कोई पेंडवा मिला तो थे जाओ राजस्थान में आम गया सिरोही में कोई पेंडवा तो नहीं कोई नहीं ते थे आधार कार्ड ने वो राशन कार्ड ने वो कोई है कि नहीं कोई आधार कार्ड नहीं कोई राशन कार्ड नहीं भी तो भी पढ़ने पड़ी रह जाए ते थे गोम में जाओ तो देखा हूँ क्या भी गोम में जाओ तभी बंदूक तरवल लेके खड़ा ही किया है मारपीट करने के दो बार तीन बार जाई किया जहाँ तभी नहीं मानता है थे पुलिस स्टेशन गया ना क्या रहवा देता था तो पुलिस में तो दो तीन चार बार रिपोर्ट दी दिया कोई थानेदार मड़वा थोड़ा का थानेदार कोई सुनवाई नहीं करता है और कोटरा तहसील में डिप्टी की रिपोर्ट दिया डिप्टी कोई सुनवाई नहीं करता है तभी हूँ क्या डिप्टी गया तो मौके करता हूँ क्या नहीं रिपोर्ट दे के आता हूँ इसको हाथा जोड़ी करी करी थक रहा हूँ इतनी साल से तो भी कोई तो सुनवाई नहीं करता है एक कोई सुनवाई नहीं होगी तो यह बार था मैं हूँ सही रह जाओ तो बार हमारे मिल करवाए मैं सही रह जाओ तो दोस्तों ये है भाटा के पानी के करीबन 45 परिवारों में से एक परिवार जो कि फिलहाल लोटाना करके एक गाँव है जिससे नांदिया भी आसपास ही ऐसा बताया जाता है और ये करीबन काफ़ी सालों से यानी कि 10 से 11 सालों से बाहर ही रह रहे हैं और आप देख सकते हैं और इनके भी काफ़ी सारे बच्चे भी हैं जो इधर उधर अभी घूम रहे हैं खेल रहे हैं तो ये सारे जो बच्चे वो पढ़ भी नहीं पा रहे हैं और आप देख सकते हैं पीछे झोपड़ी है और इस तरह झोपड़ी में इनका जो जीवन है वो गुजर रहा है और साथ ही साथ में जब वे अपने गाँव की ओर लौटने की कोशिश करते हैं तो इन्हें अपने गाँव में उनके जो गाँव वाले हैं वो नहीं घुसने देते हैं पुलिस में भी इन्होंने रिपोर्ट दी है लेकिन कार्रवाई नहीं करती ऐसा इनका कहना है पुलिस क्या कहती है इस बारे में हम शायद बातचीत करेंगे तब पता चलेगा तो आप बने हुए थे आपके अपने दोस्त विनोद के साथ कोटड़ा टाइम्स में नमस्कार।